और मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन ये तो पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से जो घटनाक्रम है, अगर उसका हम बारीकी से उसका अध्ययन करें और उस पर कोई निष्कर्ष निकालना चाहें, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अलावा किसी का भी जो नेतृत्व तो है, एक तरीके का एक एडहॉक एडजस्टमेंट है पार्टी के भीतर कि राहुल गांधी स्वयं अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो पार्टी के भीतर जो अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग जो कैंप्स हैं, उनको होल्ड कौन करेगा। तो कोई ना कोई एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत है, एक ऐसे गुरुत्व केंद्र की जरूरत है जो पार्टी को कम से कम बांध के रखे। तो प्रियंका गांधी के बारे में भी एक चर्चा आनी शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद स्पष्ट किया कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ये जो पूरा एक, कुछ लोग इसे कंफ्यूजन कहते हैं और मैं इसे डिटर्मिनेशन कहता हूं, मतलब राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि 2019 के बाद नंबर एक कि पार्टी जैसे वो चलाना चाहते हैं वो चला नहीं पा रहे, इसलिए वो बहुत ही उनके हाथ बंधे हुए हैं, और नंबर दो कि जो जनता के भीतर जो मूड है वो कहीं ना कहीं अब एक डायनेस्टी या किसी तरीके के प्रिविलेज के अगेंस्ट है और एक बड़ा चेंज पार्टी के भीतर होना चाहिए और एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो अभी भी तमाम सारे लोग जो हैं वो यही मानते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने इसलिए अशोक गहलोत बन रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक नई चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, कई बार आपको कई पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर उसकी पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। हमसे पहले भी तमाम वक्ताओं ने कहा कि कैसे, अगर हम आर्थिक नीति के संदर्भ में देखें तो सेंटर टू द लेफ्ट होना पड़ेगा कांग्रेस को। ये भी कहा गया तमाम बार कि राहुल गांधी चाहते हैं कि 1969 की कांग्रेस बनाई जाए। तो तमाम ऐसी चीजें चला करती, तो मुझे कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी का ये बड़ा प्रिंसिपल डिसीजन है कि कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए, और इसका इसकी प्रतिबद्धता उन्होंने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ दिखाई थी। अब उसके परिणाम जो भी हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, तमाम सारे लोगों की अलग अलग इस पे राय है कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो चुनाव है उनका क्या परिणाम निकला, किस तरीके से पार्टी को उसने बेनिफिट किया या उसको पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मूल रूप से ये देखें कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिकली चले, तो इस निष्ठा से निकला हुआ ये एक कंटेस्ट है। और इसलिए मैं अगर जो दो नाम आ रहे हैं, अशोक गहलोत और दूसरा शशि थरूर, हो सकता है कुछ और नाम भी आए, जितने भी नाम आएंगे, तो मैं इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट से इनका स्वागत करूंगा कि चलिए एक अच्छी बात है कि एक इलेक्शन, कितना भी वो टोकनिस्टिक क्यों ना हो, लेकिन एक इलेक्शन तो हुआ, जब कई बार चीजों को मैच्योर होने के लिए काफी टाइम की जरूरत होती है। तो एक तो पहली बात ये है कि ये चेंज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जितना घटनाक्रम है इसमें राहुल गांधी अगर नेतृत्व नहीं संभालते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत उपयुक्त तो होगा, तो मैं निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अशोक गहलोत सबसे उपयुक्त होंगे। उसकी वजह एक तो बहुत ही वैचारिक जुड़ाव है, क्योंकि अशोक गहलोत विनोबा के ट्रेडिशन से आते हैं, तो विनोबा की परंपरा में दीक्षित हुए हैं, सुब्बा राव जी के वो शिष्य हुआ करते थे, सुब्बा राव जी भाई जी जो बहुत प्रख्यात गांधीवादी रहे और सेवा दल के बहुत बड़े वो नेता भी रहे, और एक कमरे में वो गांधी पीस फाउंडेशन में रहते थे और पूरा सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया, और ठंड के दिनों में भी अपनी जो सेवा दल की नेकर और शर्ट पहन करके वो आराम से देखे जा सकते थे, हमसे सबसे मिलते थे। तो उन सुब्बा राव जी का हर साल जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाते हैं अशोक गहलोत, तो एक गांधीयन जो पूरी एक परंपरा है उसके एक प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव हो, लेकिन बाकी सब लोगों को भी ये जरूर जो है एक जोड़ने वाली बात है। दूसरी चीज है कि 34 साल की जो उम्र थी उससे वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हुए, आज 71 साल के हो गए। इतने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में अशोक गहलोत ने कभी भी, मतलब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर के उनकी जो भी उनका जो तनाव चलता रहा हो सचिन पायलट के साथ में, लेकिन लार्जली कांग्रेस पार्टी के जो रेल्व है, कांग्रेस पार्टी का जो घेरा है,
उससे निकल के कह लो कहीं नहीं गए, ना ही उन्होंने किसी प्रकार की किसी को कोई धमकी दी। और इसी वजह से तमाम लोग कहते हैं कि वो तो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट है एक तरीके से, वो तो केवल जो है कठपुतली की तरह बैठेंगे, पपेट की तरह बैठेंगे, ये भी तमाम लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंसी उनके पॉलिटिकल कैरियर के अंदर है, और इस कंसिस्टेंसी में अचीवमेंट्स भी हैं। हमने पिछला इलेक्शन देखा, मैं सचिन पायलट भी, निश्चित रूप से सचिन पायलट की भी मेहनत थी, लेकिन कैसे एक बड़ी खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस एकदम से फाइट बैक करके आती है, राजस्थान में सरकार बनाती है। 2017 का चुनाव हमने देखा है, 2017 का जो गुजरात चुनाव था, गहलोत की लीडरशिप में एक तरह से लड़ा गया, वो प्रभारी थे, और लगभग उन्होंने गुजरात का चुनाव भाजपा से छीन लिया था, मतलब शेर के जबड़े से ही समझिए कि शिकार निकाल के लेकर के आ गए थे। तो गहलोत की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो बहुत बड़ी है, मतलब मैं सोशल इंजीनियरिंग को अगर मैं कहूं कि मैं प्रायोरिटाइज करूंगा कि मैं गहलोत की प्रशंसा क्यों कर रहा हूं, तो मैं उसे चौथे पांचवें नंबर पे रखूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत बहुत जो है ताकतवर हैं, वो संगठन को साधना जानते हैं, संगठन को संभालना जानते हैं, संगठन को बुनना जानते हैं, और साथ ही साथ चुनाव लड़ना। देखिए ये दोनों अलग अलग तरीके की स्किल्स हैं कि चुनाव लड़ना और संगठन संभालना, कई बार इसके कॉम्बिनेशंस भी हो जी जाते हैं, लेकिन गहलोत के अंदर जो चुनाव लड़ने की जो काबिलियत होनी चाहिए वो काबिलियत भी उनके अंदर है, और चुनाव जीतने की भी काबिलियत उनके भीतर है। तीसरी जो चीज है, मैं कहूंगा कि एक सहज स्वीकार्य चेहरा, वो गहलोत, अगर गांधी परिवार से कोई नहीं है तो अशोक गहलोत एक ऐसा चेहरा है जो वरिष्ठ है, जो गंभीर है, और जिनको सभी लोग एक तरह से बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारे नेता है। उम्र का भी एक अपना तकाजा होता है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी भी इसमें बहुत ज्यादा एड अप करती है। तो कुछ एक ऐसी बातें जरूर हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका कैंडिडेचर बहुत ही बारीकी से देखा जाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट है, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, कि क्या ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट है। देखिए जिस समुदाय से वो आते हैं, वो समुदाय जो है राजस्थान के भीतर उसका जो है जो भी प्रभाव हो, लेकिन अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो लगभग 1.5% के करीब आबादी है। अब उसको अगर हम एक ब्रॉडर चंक में कहें कि नहीं, हम माली समुदाय की बजाय हम इन ब्रॉड सेंस हम कह रहे हैं कि हम ओबीसी का एक चेहरा लेकर के आए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी बड़ी ओबीसी नेता की कोई ऐसी अपील गहलोत के पास है। बजाय इसके मैं ये कहूंगा कि इस परसेप्शन की बैटल में अगर राहुल गांधी खुद नहीं आते हैं तो गहलोत एक ऐसा ताकतवर चेहरा है जो शायद पार्टी के भीतर बहुत ही एक्सेप्टेड है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ और अपनी इलेक्टोरल स्किल्स के साथ वो बहुत ही मुफीद व्यक्ति।